सबसे पहले तो आई एम सॉरी गाइस, बिकॉज ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ, मेरे को कुछ टाइम पहले ही बनाना चाहिए था। पता है क्या, आजकल शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी चल रहा है ना, पूरे दिन एडिटिंग मैं व्लॉग्स में बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, बट उसके बाद भी इस वाले चैनल से कम रिस्पॉन्स उधर मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपनी साइड से पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा एडिटिंग करने का। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के 4 न्यू अपडेट्स के बारे में, जिनको जानने के बाद सीरियसली आपका दिल खुश होने वाला है। तो फर्स्ट अपडेट है यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर। देखो भाई, काफी सारे क्रिएटर्स ने ये बात बोली थी, हो सकता है क्रिएटर की डिमांड पर ये अपडेट यूट्यूब ने किया हो। अगर मैं अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करूंगा एंड शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगा, तो लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट्स भी आएंगे, तो घुचड़मुचड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा दिखेगा। तो अब यूट्यूब ने क्या किया, एक अलग सेक्शन बना दिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोस आएंगे। लिटरली ये मेरे को काफी सही लगा। मैं तो अभी भी ये चाहता हूं कि यूट्यूब को एक अलग एप्लीकेशन बनाना चाहिए था शॉर्ट्स के लिए, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग में अभी क्या चल रहा है, सिर्फ शॉर्ट्स भरे पड़े हैं। जो लोग बड़ी वीडियोस बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, इतनी मेहनत करके, उनके वीडियोस ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार यूट्यूब को ऐसा करना चाहिए था, एक अलग एप्लीकेशन बनाना चाहिए था। तो मैं सही कह रहा हूं ना, कमेंट करके जरूर बताना। तो सेकंड अपडेट है थंबनेल को लेकर। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब मेन एप्लीकेशन से, तो भाई आपको थंबनेल लगाने के लिए यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना पड़ता था। बट अब आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते टाइम यूट्यूब एप्लीकेशन से ही लगा सकते हो आसानी से, मतलब बहुत आसान कर दिया। बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ iOS वालों के लिए है, मतलब एंड्रॉइड वालों के लिए यह अपडेट नहीं आया, कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। तो अब चलते हैं थर्ड अपडेट की ओर, बट उससे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। देखो भाई, अगर आपका कैटेगरी एजुकेशन से रिलेटेड है, आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो, तो आपको और भी ऑप्शंस ऐड करने के लिए मिल जाएंगे, आप उनको भी फिल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाएगा कि आप ये वीडियो किन लोगों के लिए बना रहे हो, देन यूट्यूब आपका वीडियो उन्हीं लोगों के पास भेजेगा जिनको आपकी वीडियो की जरूरत है। तो अब चलते हैं फोर्थ अपडेट की ओर। ये तो बस टुकुर मुकुर अपडेट है, आप लोग स्क्रीनशॉट देखो, आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है, बस यही एक छोटा सा चेंज किया है यूट्यूब मेन एप्लीकेशन में। आई होप ये चारों अपडेट आपको भी काफी कूल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।